14 साल जद्दोजहद किए। 14 साल के जद्दोजहद के बाद तेलंगाना भी अलहदा हुआ और आप लोगों की दुआ से, आपकी मदद से टीआरएस को हुकूमत बनाने का मौका मिला। जैसे स्कूल जो नजर आ रहे हैं, हमने आजाद होकर 70-77 साल हो चुके हैं, पर हमें हुकूमत 9 साल पहले 2014 में मिली और हमें हुकूमत आसानी से नहीं मिली। जिस तरह गांधी जी ने हिंदुस्तान की आजादी के लिए कई बार भूख हड़ताल और मरण पर बैठा था, हमें हमारा तेलंगाना 1956 में आंध्र में मिलाया गया था। उसके बाद हम तबाह होते जा रहे थे, हमारा सारी रकम आंध्र में खर्च की जा रही थी। उसके लिए हमारे महान और महात्मा लीडर ने 2001 27 अप्रैल को तेलंगाना राष्ट्र समिति बनाई थी। उसका एक ही एजेंडा था, हमारा तेलंगाना हमें चाहिए। साबेदा लोगों ने बहुत सी पार्टी बनाई, हिंदुस्तान आजाद होने के बाद अगर कोई पार्टी बनी है एक मकसद के लिए, एक इंसाफ के लिए, तो वो टीआरएस पार्टी थी जो आज बीआरएस पार्टी बनी है। सीएम साहब का मकसद यही था, हमारी स्टेट को आंध्र में मिलाया गया। जब से आपके साथ मुसलसिल नाइंसाफी होती आ रही है मुसलमानों के साथ और सारी कम्युनिटी के साथ, हमें इंसाफ चाहिए तो सबसे पहला हमारी स्टेट हमें चाहिए कि मुसलमान रेजिडेंशियल स्कूल में नहीं पढ़ते, खासतौर से हमारी लड़कियां रेजिडेंशियल स्कूल को नहीं जाते। महाराज अल्लाह के फजल करम से 1,40,000 हमारे लड़के और लड़कियां तालीम हासिल कर रहे हैं, उसमें 58,000 हमारी लड़कियां तालीम हासिल कर रही है। लड़की का तालीम देना एक खानदान को तालीम देने के बराबर है। मर्द आदमी तो मेहनत के लिए, रोजी के लिए तालीम हासिल करते हैं, मगर जो लड़की होती है, एक दिन माँ बनती है, उसका एक ही मकसद होता है मेरे बच्चे अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करें। दुनिया में दो इंसान होते हैं जो खुशी मनाते हैं दूसरों के बारे में, वो एक होते हैं माँ बाप अपनी औलाद की तरक्की के लिए, उसके बाद होते हैं टीचर अपने स्टूडेंट की तरक्की के लिए। इसलिए मैं तहरीक के तमाम जिम्मेदारों को मुबारकबाद दे। आप सब लोग जानते हैं अपने काम से में चार कोमों का स्कूल है, माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल फॉर गर्ल्स बांसवाड़ा में है, माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल बॉयज कोटेगिल में है, बीसी रेजिडेंशियल स्कूल फॉर गर्ल्स वर्नी में है, बीसी रेजिडेंशियल स्कूल फॉर बॉयज बीरपुर में है, एसपी रेजिडेंशियल स्कूल फॉर बॉयज नसलाबाद में है और हालहाल में सीएम साहब सैंक्शन के लिए एसपी रेजिडेंशियल स्कूल फॉर गर्ल्स अरमाजपेट फोरम पर बीच में आज शुरू हो रहा है। मौजूद है हमारे बुजुर्ग लोगों को, हमारा नौजवान लोगों को, मेरा दोस्तों को, मेरे नौजवान लोगों को, हमारे कवादियन को, इतने तेजाद प्रयास को, मेरे बहनों को, सबको, प्रेस को, मीडिया को आदाब और सलाम अलैकुम। आज 1016 बन गए। अभी हमारे सैफुल्ला साहब बताए थे जो रेजिडेंशियल स्कूल जो कायम करे, अच्छी पढ़ाई कर रहे, पढ़ाई दे रहे, अच्छा खाना दे रहे, सुबह उठ के उनको दूध के साथ बूस्ट डाल के दूध पिलाते हैं और अच्छा नाश्ता खिलाते हैं। अभी आपके सामने आज 14 महीने के नीचे इसी जगह पे अपन जलसा मरक किए थे। ये बिल्डिंग को अब्दुल अजीज हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब की मेहरबानी से जो मेरे को रकम दिया गया था, फंड दिया गया था,
हमारे माइनॉरिटी बच्चों को 22 को पढ़ने के वास्ते, सोने के वास्ते, खाने के वास्ते तकलीफ हो रही बोल के एक दूसरे जगह में मुकाम पे अपन स्कूल चला रहे थे और तकलीफ दूर करने के वास्ते सीएम साहब के मेहरबानी से 6,70,00,000 रुपए खर्च करके एक अच्छा बिल्डिंग बनाए, आज उसका इनॉग्रेशन करें। गर्ल्स दोनों एक कोयम्बटूर में है, एक बोल में है। ये सारे चीज अभी तक हमारे बुजुर्ग लोग गए थे, हमारे दोस्त अभी बना बयान दिए, तेलंगाना बनने से पहले पूरी रियासत में तेलंगाना एरिया में 6 या 7 महीना ट्रेडिंग स्कूल थे, आज ये 9 साल के अंदर उसकी तेजाद 204 बन गए। एक एक स्कूल में 5th क्लास से लेकर इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर तक 640 बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं एक एक स्कूल में, जुमला 204 स्कूल में तकरीबन 1,35,000 बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं। आज एक बच्चे बच्ची के ऊपर सरकार चाहे कौन सा भी रेजिडेंशियल स्कूल हो, माइनॉरिटी हो, बीसी हो, एससी हो, सोशल वेलफेयर एससी का हो, एक साल को उनको पढ़ाने का वास्ते, खाना खिलाने का वास्ते, स्कूल चलाने का वास्ते, कपड़ों के वास्ते, ड्रेसेस के वास्ते, शूज के वास्ते, एक साल को एक बच्चे के ऊपर, एक बच्ची के ऊपर 1,35,000 खर्च करते हैं गवर्नमेंट। ये हम सब क्यों सोचते, ये आप लोग बताना मेरी जिम्मेदारी है। हम साहब से बात करते थे, उनकी दिल की बात ये थी, सिरना पैसा ऐसा वालों हैदराबाद में कॉर्पोरेट स्कूल में पढ़ाते, अपने बेटों को, बेटियों को, नवासियों को, नवासियों को, पोत्रों को, पोत्री को लाखों रुपए खर्च करके साल को 3,00,000-4,00,000 फीस बन के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। फिर देहात में गरीब जो बच्चे हैं उनको कौन पढ़ाएंगे, स्कूल गुजारे जिस तरीके से स्टैंडर्ड स्कूल स्टैंडर्ड एजुकेशन मिलना है वो नहीं मिल रहा है। जब स्टैंडर्ड एजुकेशन नहीं मिल रहा है तो पोचारम श्रीनिवास रेड्डी की नवासी या पोत्रा पोत्री वहां कॉर्पोरेट स्कूल में पढ़ के डिग्री पढ़ के इंटरमीडिएट पढ़ के अगर कोई नौकरी का इंटरव्यू मिला आया तो हमारे बच्चों की नौकरी मिलती, क्यों वहां मार्क्स ज्यादा आते तो बात होते। देहात में जो गरीब के बच्चे बच्चियां जो देहात में रहते उनको पढ़ाई सही तरीके से रहने से और कॉम्पिटिशन एग्जाम में बर्दाश्त नहीं होते, फिर फेल हो जाते, नौकरी नहीं मिलते। उसी वजह से आज माइनॉरिटी रेजिडेंस स्कूल स्कूल जैसा 204 बनाए, आज जुमला पूरे रेजिडेंस स्कूल मिला के 1,016 स्कूल थे रियासत में।